दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट ये है कि शैतान के खुतवात से बचे। शैतान के खुतवात कैसे रहते मालूम आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाता है, या अय्युल्लज़ीन आमनु ला तत्तबि खुतवाति शैतानी, कि आए वो लोगों जो ईमान लाए हो शैतान के कदम ब कदम ना चलो। क्योंकि शैतान के खुतवात कैसे रहते मालूम आपको, वो सीधे आके गुनाह नहीं करवाता आपसे। अगर सीधे शैतान और का जिना करो तो आप बोलेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो लड़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, चल भाग मर्दूद, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन शैतान आके बोलता बाजू तुम्हारे एक लड़की रहती, बात करने में क्या जाने, बात तो हाँ सही बात है यार, बात करने में क्या जाता, बात कर ली। अब बातचीत तो रोज कर रहे, हाथ मिलाने में क्या जाता। हाँ यार बातचीत तो रोज कर रहे, हाथ मिलाने में क्या चल रहा। फिर अब हाथ भी मिलाना शुरू कर, बातचीत कर रहे हाथ मिला रहे, बातचीत कर रहे हाथ मिला रहे, घूम लिए तो क्या जाता। हाँ यार बातचीत तो कर रहे हाथ भी मिला रहे, घूम लिए तो क्या जाता, चलो घूमना शुरू होगा। अब घूम लिए, बातचीत कर रहे हाथ मिला रहे, तो थोड़ा बहुत जिस्मानी तौर से टच कर लिए तो क्या जाता। हाँ सही बात है, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता क्या जाता। उसके बाद फिर जिना कर ली तो क्या जाता, बाकी सब तो कर जिना और खुतवात, सीधा नहीं ले गया उसने जिना की तरफ, स्टेप बाय स्टेप, ये है खुतवात। तो आपने छोड़ दी बुराई को, तो आप फिर क्या करेंगे, मुब्तला करेंगे, एक तो ऐसी ख्वाहिश उठाएंगा कि फिर से वही देखो, और दूसरी ख्वाहिश क्या करेंगे, वैसे नहीं उठाएंगा। जान दो इंटरनेट का सही इस्तेमाल तो शुरू करो फिर से, इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू होगा सही तो गलत भी शुरू होगा। तो आपको बचना है उसके खुतवात से, ही बात याद रखिए। दूसरा काम जो करना याद रखिए, खुतवात से जब उसके बचना है तो क्या एहतियाती तदाबीर करेंगे उसके अंदर। तो आप पहला काम तो ये करेंगे, फोन को ब्लॉक कर देंगे। आप अगर इंटरनेट यूज भी करते, कंप्यूटर यूज करते हो, तो ये टेम्पटेशन आ रहे हैं आपको, वसवसे आ रहे हैं, फिर से दिल बोल रहा चाह रहा देखना, तो आप फोन ब्लॉकर्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऐसे साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि फोन वेबसाइट को जनरली एक सर्टिफिकेशन होता है, और वो सर्टिफिकेशन नोन होता है, उसकी कैटेगरी होती है। अगर वो सर्टिफिकेट की फाइल्स आए तो ये क्या करता है, वेबसाइट्स को फोन ब्लॉकर्स होते हैं, ये ब्लॉक कर देता है, खोलने नहीं देता है, जो जनरली बहुत सारे ममालिक में जैसे सऊदी वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, जिससे आप पोर्नोग्राफी को एक्सेस नहीं कर सकते, समझ रहे आप। तो फोन ब्लॉकर्स इस्तेमाल करें। इसी तरह मोबाइल या कंप्यूटर ऐसी जगह रखें जहाँ सबकी नजर पड़ती हो, अगर जरूरत करना भी पड़े और टेम्पटेशन आ रहा है, तो ऐसी जगह रख के काम करें जहाँ सबकी नजर पड़ती हो, तो आपको गलत चीज़ नहीं खोलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन याद रखिए, इस पर कोई कुरानी आयत या आपके माउस का कर्सर होता है, उस पर कुछ ऐसी चीज़ रख ले जिससे अल्लाह का जिक्र हो, और आपको फिर डर लगे कि मैं उस तरफ ना जाऊँ। जैसा मिसाल के तौर पर कर्सर आता है, कर्सर समझते हैं ना, माउस जब चलता है तो एक स्क्रीन में कोई चीज़ भागती है, कर्सर, तो वो कर्सर जो है उसके ऊपर आपने कोई ऐसा कर दिया, जिक्रुल्लाह अल्लाह अकबर कुछ डाल दिया, तो अब आपका भी दिल नहीं चाहता उसके जरिए कोई दूसरी गलत चीज़ क्लिक करे, क्योंकि वो कर्सर नहीं जाके वो होता, समझे आप। तो इस तरह से कुछ चीज़ें करें कि या तो स्क्रीन पर अल्लाह का जिक्र लगा दे, हमेशा जो स्क्रीन क्या बोलेंगे आपका डिस्प्ले पेज होता है उस पर हो जाए, वगैरह वगैरह। इसी तरह जो है जानबूझ कर ऐसे ख्याल जहन में बिल्कुल भी ना लाए, शैतान तो लाता रहेगा, आप जानबूझ कर ऐसे ख्याल को ना ने दिया। इसी दूसरे पॉइंट अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।